हेलो, नमस्कार, अभिनंदन आभार। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त चेतनानंद आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? बार बार यही सवाल मन में इसीलिए आता है क्योंकि जहाँ देखो अभी कोरोना ही कोरोना है, इसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। तो इसलिए हमेशा पूछना पड़ता है, कैसे हैं आप लोग? ऊपर वाले के दुआ से सब लोग कुशल मंगल होंगे। हमने अपना पहला वीडियो कोविड वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन के ऊपर डाला था कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया कैसे है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है वैक्सीनेशन के लिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप देख सकते हैं वहां से उस वीडियो को, आप प्रोसेस जान सकते हैं कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद आज के पेपर में न्यूज आई कि वो जो 1 मई से वैक्सीनेशन होने वाला था 18+ वालों का, वो अभी बाधित रहेगा, वो अभी हो नहीं पाएगा क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट पुणे को बिहार गवर्नमेंट ने 1 करोड़ डोज के लिए मतलब एप्लीकेशन दिया है, जैसे भी बोला अपना मतलब, लेकिन वो डोज दे नहीं पा रहे हैं। शायद उनके पास प्रोडक्शन कम है क्योंकि पूरे ऑल इंडिया से उनके पास जा रहा है ऑर्डर, सबको सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। अभी हमारे यहाँ मतलब 80 लाख के आसपास वैक्सीन है जिसका वैक्सीनेशन चल रहा है, लेकिन एक दिन में 80 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया सिर्फ बिहार में वैक्सीनेशन के लिए। तो इसको देखते हुए इस चीज को अभी पोस्टपोन किया गया है कि वैक्सीनेशन 1 मई से होना है, तो सभी जगह तो हो नहीं पाएगा, तो इसलिए अभी इसको पोस्टपोन किया गया है। आगे ये वैक्सीनेशन होगा, वैक्सीनेशन चलते रहेगा और इस पर सरकार अब अग्रणी है, काम कर रही है। आज का मेरा यह वीडियो मन पर आधारित है, मन यानी साइकोलॉजी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, क्योंकि एक प्रचलित मतलब वाक्यांश बोलिए, मुहावरा बोलिए, लोकोक्ति बोलिए है, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। जब आपका मन अंदर से मनोबल जब मजबूत रहता है तब आप किसी भी परेशानी से लड़ के उभर सकते हैं, जीत सकते हैं। इसलिए ये कहा गया है मन के हारे हार और मन के जीते जीत। इस महामारी के समय में हमारा मन ही इस महामारी से उबरने की शक्ति देगा हमें, मनोबल ही हमारा इससे लड़ने की असली शक्ति है। इस समय इस कोरोना के संकट काल में जिन लोगों ने अपनों को खोया उनके लिए हमें गहरी संवेदनशीलता है और खुशी भी है जिन्होंने अपनों को पाया, अपनों को बचाया। इस बीच में मैं सबसे यही गुजारिश, यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जिन लोगों ने भी अपनों को खोया, ये चीज लोग सोशल मीडिया में शेयर ना करें, क्योंकि इन चीजों से जो लोग हर लोग सोशल मीडिया पे हैं आज, इन सभी चीजों से लोगों का मनोबल नीचे गिरता है। हो सकता है जो भी बीमार हो वो मोबाइल में देख लिया, कहीं भी मोबाइल हर जगह अवेलेबल है, वो देख लिया कि अरे भाई ये तो नहीं रहे, इनका तो इम्यूनिटी स्ट्रांग था, इन्होंने तो कोविड वैक्सीन भी लिया था फिर भी ये नहीं रहे तो हमारी क्या पिसाद। तो इसलिए जरूरी है कि हम इन सब चीजों से परहेज करें, अर्थात इस समय में जिन लोगों का मनोबल टूट रहा है उनके मनोबल को बढ़ाना भी हमारी जिम्मेदारी है। वो जिस रूप में आप करें ये आपकी जिम्मेवारी बनती है कि लोगों का मनोबल टूटने ना दें, उनको जितना हो सके इन्हांस करें, बढ़ाएं, ताकि उनको इस समय में लड़ने की शक्ति मिले। सोशल मीडिया कहने का तात्पर्य मतलब सोशल मीडिया के लाइव प्लेटफॉर्म पे उन सब चीजों को साझा ना करें। जैसे आपका कोई साथी बिछड़ गया या किसी के साथ कुछ अप्रिय घटना हो गई तो आप उसको मैसेज के रूप में व्हाट्सएप पर किसी को जानकारी दे सकते हैं, लाइव मीडिया में उसका प्रसारण ना करें। किसी के परिवार के लिए आप इस समय में जो भी कर पाएं, किसी मुसीबत में फंसे लोगों के लिए जो कर पाए वो उचित है, जितना आपसे हो सके करें और समाज में भ्रांति फैलने से रोकें। मतलब कुछ अप्रिय या मतलब असंवेदनशील बातों का प्रचलन ना हो जाए जिससे लोग घबरा जाएं, पैनिक करें, इन सब चीजों पर ध्यान रखें। ये सब कहना मेरे लिए बिल्कुल आसान नहीं था, लेकिन लोगों के अंदर व्याप्त मतलब उनकी कठिनाइयों को देख के मुझे लगा कि इन चीजों के प्रति एक निवेदन सबसे करना चाहिए, क्योंकि इस संकट के समय में हम सभी लोगों के अंदर मतलब कुछ विशेष बदलाव लाना बहुत जरूरी है। इन चीजों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, वो जिस तरह से भी हो, आप वो मास्क लगाने से हो, सैनिटाइजर यूज करने से हो, बाहर से आके वाफ लेने से हो, जिस तरह की भी बदलाव है हमें अपने जीवन में लाना बहुत आवश्यक हो गया है।
यह जंग अपनों की जिंदगियां बचाने के लिए भी है और लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए भी है। मतलब मुख्य रूप से इन चीजों पर ध्यान दें कि व्यापारिक लक्ष्य या किसी मतलब विशेष पर्पस न होने पर घर से बाहर न निकलें, मतलब व्यापारिक लाभ के चक्कर में आप बाहर चले जाएं और कोरोना लेके आएं, सभी घर के लोगों को परेशानी हो जाएगी, एक बीमार होगा और लोग भी बीमार होंगे। इसलिए अभी सावधानी बरतें और जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें, अन्यथा ना निकलें। यह वक्त और इस वक्त की लड़ाई किसी से होड़ करने और आगे निकलने के लिए नहीं है। अगर इसमें कोई अगर ऐसा करते हैं तो उनको उनके हाल पर छोड़ दें। हम सब के कुछ व्यापारिक और क्षणिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हम सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस बीच हल्का फुल्का नोकझोंक भी हो सकता है, जिसे दिल पर न लें, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें सावधानी के साथ। सरकार के द्वारा दी गई दिशा निर्देशों का पालन करें और अपनी सूझबूझ के साथ हर काम को करें। आपके सूझबूझ और आपके बुद्धिमत्ता का परिचय का ये समय है, उसे ध्यान में रखें। और मैं सबके मंगलमय ऊर्जावान और बेहतर भविष्य की कामना करता हूँ। जल्द से जल्द हम लोग अपने बेहतर भविष्य की तरफ अग्रणी होंगे। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। कृपया आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।